36 नैकत्रते जयति शालिनी पाद पद्मम् घ्नन्तया मुहुः करतलेन पतंगम् मध्यम विशीदति बृहस्तनभार भीतम् शान्तेव दृष्टिर्मला सुशिखा समूह नयकत्रते जयति शालिनी पाद पद्मम् घ्नन्तया मुहुः करतलेन पतंगम् मध्यम विशीदति बृहत् स्तनभार भीतम् शान्तेव दृष्टिर्मला शुशिखा समूहा नयकत्रते जयति शालिनी पादपद्मम् घ्नन्तया मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यम विशीदति बृहस्तनभार भीतम् शान्तेव दृष्टिर्मला सुशिखा समूह। हरे कृष्ण। तो आप लोगों में से कोई रिपीट करेंगे प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु दोनों प्रणाम। यस माता हरे जी, कृष्ण दोनों प्रभु प्रणाम। यस माता जी करिए। यावा काचित् तुम अबले दृष्ट्या संदर्शनम तव उसूनोषी इक्ष्मानाम कंदुक क्रीडिया मना। श्लोक नंबर 36। न एकत्रे जयति शालिनी पाद पद्म करन्त्या मुहु करतलेन पतत पतंगम मध्यम विशीदति बृहत स्तनभार भीतम शांता इव दृष्टि अमरा सुशिखा समूह। हरे कृष्ण प्रभु दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यस माता जी, यस माता जी, प्रणाम माता जी, करिए माता जी। यावा कचित्वे अम्ले दिष्टे संदर्शनम् तवे उत्सुनो शिशप सिमामानानाम कंदुक्रे स्थितिया मनः। श्लोक 36। नेकत्रते जायति शालिनी पादपद्मम् घनत्ये मुहुः करतले पतत्पतङ्गम् मध्यम विशेदति व्रतस्थान भारभीतम् शान्ते वृष्टिर्मला सुशिखा समूह। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, करिए माता जी प्रणाम। श्लोक नंबर 35। या वा कचित्वं ले दृष्टि संदर्शनं तव उत्सुनोषी श्यामानानां कन्दुकक्रीडयामना। 36। नैकत्रते जायति शालिनी पादपद्मं घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यं विषीदति बृहत्स्थानभारभीतं शान्ते वृष्टिरामला सुशिखासमूहः। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धनवा प्रणाम। यस प्रभु जी, करिए प्रभु जी। या वा काचि त्वम बले दृष्ट्या संदर्शनम तवा उत्सो निशिक्षमाणानाम् कुन्दुकक्रीडया मनः। नैकत्रते जयति शालिनी पादपद्मं घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यं विशीदति बृहस्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह। हरे कृष्णा दोनों प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दोनों प्रणाम। यस माता जी, प्रणाम माता जी। या माता जी आप कीजिए। नहीं नहीं माता जी आप कीजिए, पहले कीजिए आप। यावा दृष्टया सदर्शनं त्वा
उत्नोषि इक्ष्माणानां कन्दु क्रीडया मना नेक्षति जयति शालिनी पादपद्यं घनस्यामुः कतलीन पद्पदकं मध्यं विशिदति बृहत्सन् भारवीतम् शान्तेव दृष्टिमलासु शिखा समूहा। हरे कृष्ण प्रभुजी तुम प्रणाम। थैंक यू माताजी। यस माताजी करिए। हरे कृष्ण दर्शनम तव उत्सनोक्षि शामानानं कुटुकृदियामना रोक्षं का शक्ति से त्रिकत्र ते जायते शालिनी पाद पदम धन्ते महो कतले पत पतंगम मध्यम विषे दति वृहस्थानं भारवीतम् शान्ते विसृष्टरामला सुखी हास्पदौ। हरे कृष्ण आदन प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी के जी माता जी माता जी आप बोल लीजिए। नहीं माता जी आप कर लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम जी। माता जी अम्ले दृष्टा सदर्शन तव सुनोषि ईष्मानां कन्दुक क्रीड्यमाना श्लोक 36 ना एकृते जयन्ती शालिनी पादपदं धन्यामुः करतलेन पतत् पदधाम मध्यम विशिदति बृहत् स्थान भारपि भीतं शान्त इव दृष्टि अम्ला सुशीख समूह। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। यस माता जी करिए। यावा कच्छितं बले दृष्टे संदर्शनं तव कंदुक क्रीड्या मना 33 का दूसरा नैकेत्रुते जायति शालिनी पाद पद्म घननत्य मुहु करतले पत्तु पतंगम मध्यम विशेदति बृहत् स्थानु भारभीतम् शान्ते वृष्टिरामला सुखी खासम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। यस माता जी करिए माता जी। या वा कजेवे बलं दृष्टिया सादर्शनं तव उत्सुष्मा मनमः कनन्दु क्रीड्या मनः नेकेत्र ते जायन्ति शालिनी पदं गान्यते मोहो करिलते पतन्ते गङ्गं मध्यं विशन्ति ब्रस्ते स्थानाभरभीतं शनाते वृष्टिरमाला सुखी 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 माया सह। हरे कृष्ण प्रभु जी धन प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन प्रणाम। यस माता जी करिए माता जी। हां जी माता जी धन प्रणाम। या वा कचिस्तौ बले दृष्टि सुदर्शनम तव उत्सुनोक्षि माननाम कंदु क्रिया दया मना नेत्र ते जायति शालिनी पादपदं घनन्य मुहु करतले पत पतं पद अंगम मध्य विशेषदति ब्रह्मस्थान भारभीतं शान्ते ऋषिश रामला शिखा समूहा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी।
या वा काचे त्वमवले दृष्ट्या सुदर्शनं तव उत्सुनोसि इच्छा मानना कुंदा कुक्रीडाया मना। श्लोक नंबर 36। नायकात्र तेजयते सालनी पदपादं धनंत्या मुहुकर तलेन पतत पत्तडं मध्यम विसिद्धिति भ्रतस्तन भार भीतं शांता इव्रष्टि अमला सुखशिखा समूह समूह। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी माता जी कर लीजिए। अशोक चाचा जी बताइए डॉक्टर शहद। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोक 35। या जो कोई भी वा अथवा काचित कोई त्वाम तुम अबले हे सुंदरी बाला दिष्टया भाग्यवश संदर्शनम दर्शन पाकर तव तुम्हारा उस सोनोशी विचलित करती हो इक्षमाणा नाम देखने वालों के कंदुक गेंद के साथ क्रीडया खेल से मना मन। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की है। हे सुंदरी बाला तुम चाहे जो भी हो हम भाग्यशाली है कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। तात्पर्य असुर लोग सुंदरी स्त्री की सुंदरता को देखने हेतु नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी आसुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंगी स्त्रियों के साथ करते हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन करना तथा सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। ऐसी आसुरी काम प्रवृत्ति को कदाचित तथा कथित योगी भी बढ़ावा देते हैं जो जनता को विभिन्न प्रकार से विषय जीवन जीने व्यतीत करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं और प्रतिज्ञा और विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए गए मंत्र का ध्यान करेगा तो वह 6 महीनों में ईश्वर बन सकता है। जनता चाहती है कि लोग उन्हें ठगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ढोंग करते हैं और ठगते हैं। ये तथा कथित योगी योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता की संस्तुति है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो वह इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता। रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर परामर्श देता है कि वह रुग्णावस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। रोगी किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकता, रोग से बचने हेतु उसे भोग से दूर रहना होता है। इसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी ही है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे इस भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त होना होगा। आध्यात्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख में अंतर यही होता है कि भौतिक सुख सीमित होता है। यदि कोई भौतिक काम वासना के सुख में
लिप्त रहना चाहे तो वह दीर्घ काल तक यह सुख नहीं भोग सकता, किंतु काम सुख त्याग देने पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और यह असीम होता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.1 में कहा गया है, ब्रह्म सौख्यम अर्थात आध्यात्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्यमान बैठते हैं, किंतु वह वास्तविक आनंद होता नहीं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोक 36, न नहीं एकत्र एक स्थान पर ते तुम्हारा जयती ठहरता है। शालिनी हे सुंदर स्त्री, पात पद्मम चरण कमल घ्नंतया मारकर मुहु बारंबार कर तलेन हथेली से पतत उछालती पतंगम गेंद को मध्यम कटी विशिदती थक जाती है। बृहत पूर्ण विकसित स्तन तुम्हारे स्तनों के भार बोझ से भीतम दुखित शांत इव मानु थकित दृष्टि ही दृष्टि अमला स्वच्छ सुसुंदर शिखा तुम्हारे बाल समूह गुच्छा। हे सुंदरी, अनुवादम तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रोपात द्वारा शिल प्रोपात की जय। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुकते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से तुम्हारी पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। तुम कृपया अपने सुंदर केशों को ठीक से गूंथ तुलो। तात्पर्य, असुरों को उस सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहे थे। यहाँ पर वे गेंद खेलते समय उसके पूर्ण रूप से उभरे उरोजो बिखरे केशों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा करते हैं। वे पद पद पर उसके स्त्रीयोचित सौंदर्य का आनंद लेते हैं और इस प्रकार आनंद लेते हुए उनके मन काम वासना से उद्विग्न हो उठते हैं। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे एकत्र होते और फिर मर जाते हैं, उसी प्रकार से असुर सुंदरी की कंदुक समान स्तनों की हलचल के शिकार हो जाते हैं। सुंदरी की बिखरी केश राशि भी कामी असुरों के मन को आहत करती है। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। उमज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतुदास अधिकारी दिनामने श्रीमद भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। मैं भागवतम स्टार्ट करने से पहले श्री श्री गौर नित्य श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज और आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ ताकि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं गुरु परंपरा के प्रसन्नता के लिए भागवतम की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। तो ये सुंदर अध्याय चल रहे हैं मैत्रेय विदुर संवाद। इस पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी को क्रोधोन्मत्त होके असुर ब्रह्मा जी को दौड़े ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी डर के भगवान से सहायता मांगने के लिए आते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं कि आप अपना यह शरीर का त्याग कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग किया और प्रोपाजी तात्पर्य में लिखते हैं कि शरीर त्याग करना मतलब ब्रह्मा जी ने उस मानसिकता का त्याग किया, उस गलत मानसिकता जिससे उन असुरों का जन्म हुआ था, गलत प्रकार के मानसिकता से। तो उस गलत प्रकार के मानसिक शरीर का ब्रह्मा जी त्याग करते हैं जो बाद में एक संध्या रूपी सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है और सारे असुर उस सुंदर संध्या स्त्री को देख के बहुत कामोन्मत्त हो गए हैं और मोहित हो गए हैं और उस स्त्री से संध्या स्त्री से उसके सुंदरता से आकर्षित होके उसके विविध प्रकार के शारीरिक क्रियाओं से आकर्षित होके उससे इस प्रकार से बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोपाजी तात्पर्य में भौतिक काम के विषय में लिख रहे हैं। तो भौतिक काम भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधेयः वैरिणाम, कि जो अर्जुन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है या रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है जो बाद में क्रोध में परिणत हो जाता है और ये कभी कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। महाशनो बहुत खाने वाला है, आपको कभी भी नहीं बोलेगा अर्जुन की बहुत आपने मुझे खिला दिया, बहुत संतुष्ट कर दिया, अभी मैं तृप्त हो गया, अभी आप मेरी सेवा छोड़ दो कुछ और कर लो। कभी भी तृप्त नहीं होने वाला है, हमेशा और इसको भूख लगेगी, जितना आप इसका भूख शांत करोगे और मांगेगा और मांगेगा और मांगेगा, कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है, कभी भी तृप्त नहीं होगा, कभी भी तृप्त नहीं होगा। महाशनो महापापमा बहुत पापी है, बहुत पापी है ये। विद्या यह वरिणाम अर्जुन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ खा तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारा सब कुछ खा जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं इस शत्रु को मार डालो, इसका वध कर दो, इसका वध कर दो, इसका वध कर दो। तो इस शत्रु का वध कैसे होगा, इस शत्रु काम रूपी शत्रु का वध कैसे होगा। तो यहाँ पे शिल रूपाजी तात्पर्य में सुंदर से लिख रहे हैं कि काम सुख त्याग देने पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और यह असीम होता है, ब्रह्म सौख्यम ही अनंतम। जब जीवात्मा को ब्रह्म सौख्यम मिल जाएगा तो ये जो तुच्छ काम सुख है उसका अंत हो जाएगा, हायर टेस्ट देना पड़ेगा, हायर टेस्ट आनंदमय अभ्यासात। सब जीवात्माओं को आनंद चाहिए, सब जीवात्मा को सुख चाहिए। तो जब तक जीवात्मा को ऊंचा सुख का प्राप्ति नहीं होगा तब तक वो नीचे सुख की प्राप्ति में लगा रहेगा, नीचे सुख में प्राप्ति में लगा रहेगा। एक बार ऊंचा स्वाद प्राप्त हो जाने पर, ऊंचा रस को प्राप्त हो जाने पर ऑटोमेटिक जो निम्न रस है उसको जीवात्मा छोड़ देगा। तो ऊंचा स्वाद प्राप्त कराना पड़ेगा, परम दृष्टवा निवर्तते भगवान कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि ऊंचा स्वाद देना पड़ेगा, ऊंचा स्वाद देना पड़ेगा। वो हायर टेस्ट दे देंगे तो फिर लोअर टेस्ट अपने आप ही छूट जाएगा। तो ये जो तुच्छ काम सुख है उसको छुड़वाने का सबसे सुंदर सरल तरीका क्या है,
ऊंचा स्वाद दे दीजिए, ऊंचा स्वाद दे देंगे तो जो लोअर टेस्ट रहेगा, जो तुच्छ जो स्वाद रहेगा, अपने आप ही उससे विरक्ति हो जाएगा, क्योंकि ऊंचा स्वाद मिल रहा है। और ऊंचा सुख क्या है, भगवान श्री कृष्ण का नाम में सुख मिलने लग जाए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में सुख मिलने लग जाए, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीला श्रवण में सुख मिलने लग जाए, भगवान श्री कृष्ण के धाम में सुख मिलने लग जाए, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम परिकर सास सामग्री इन सब में जब ब्रह्म सुख का अनुभूति जब जीवात्माओं को होने लगेगा तो ऑटोमेटिक लोअर टेस्ट को जीवात्मा छोड़ देगा, अपने आप छोड़ देगा। तो ऊंचा सुख जीवात्माओं को देना पड़ेगा, ऊंचा सुख देना पड़ेगा, ऊंचा सुख देना पड़ेगा। ऊंचा सुख प्राप्ति होने पे लोअर सुख अपने आप ही छूट जाएगा, लोअर सुख अपने आप ही छूट जाएगा। तो काम जो तुच्छ काम सुख है उसको डिफीट करने का, उसको हराने का एक ही मार्ग है, वह है ऊंचा सुख दे दो। ऊंचा सुख मिल गया, लोअर टेस्ट अपने आप छूट गया, लोअर टेस्ट अपने आप, लोअर टेस्ट से अपने आप विरक्त हो जाएंगे, लोअर टेस्ट अपने आप विरक्त हो जाएंगे। हमारे शास्त्र में बहुत सारे सुंदर सुंदर उदाहरण पड़े हैं, है ना। किस प्रकार से हम देखेंगे, बिल्व मंगल ठाकुर जी वह एक वैश्या से, चिंतामणि वैश्या से आसक्त थे। तो एक दिन चिंतामणि वैश्या से बहुत रात्रि में मिलने चले गए, जब बहुत आंधी हो रहे थे, तूफान हो रहे थे, वैश्या सोच रही थी कि आज तो आएगा नहीं मिलने, लेकिन उस आंधी तूफान के रास्ते में भी वो कैसे भी करके लांग के सारा वर्षा इत्यादि को गए। वैश्या ने उनको डांट लगाई कि अरे मेरा अस्थि चमड़ी का ये शरीर है और इसमें तुम इतना आसक्ति रख रहे हो, और अगर भगवान में आसक्ति रखते, कृष्ण में आसक्ति रखते तो तुम्हारा कितना काम बन जाता। तो उसको दुख होता है और वो फिर कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए वो वैश्या से विरक्त होके कि मैंने इसके लिए इतना प्रयत्न किया, इसके लिए इतना कष्ट लेके आया और ये मुझे डांट रही है। तो फिर वृंदावन की तरफ चल पड़ता है, वृंदावन में भी जाता है तो फिर एक सुंदर गोपी जो पानी भरने के लिए आई होती है उससे आकर्षित हो जाता है, उसके पीछे पीछे जाते हैं, और उसके पीछे पीछे जाते हैं तो फिर वो मैरिड होती है, मैरिड वो लेडी होती है, वो अपने घर चली जाती है। और जब घर के पर जाके दरवाजा नॉक करते हैं तो नॉक करने पे उसका पति दरवाजा खोलता है और पति से बोलता है कि मुझे उस स्त्री के साथ संग करना है। तो पति क्योंकि अतिथियों का सम्मान करना चाहिए, अतिथियों को हर प्रकार संतुष्ट करना चाहिए, अतिथि देवो भव, तो पति अपने पत्नी को आदेश देते हैं कि ठीक है जो भी है अतिथि है और आपको इसका सत्कार करना चाहिए, जो भी इनकी इच्छा है पूरी कीजिए। तो वो पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए, अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए वो स्त्री अपने आप को तैयार करती है, प्रस्तुत करती है उसके सामने, ठीक है लो तुम मेरा भोग करना चाहते हो तो मेरा भोग कर लो। तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित होता है किस प्रकार से ये जो ब्रजवासी स्त्री है ये अपने पति के प्रति समर्पित है और पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। तो उसको दुख होता है और वो बोलता है कि माता जी आप अपने बालों का ये जो पिन है पिन थोड़ा मुझे दे देंगे क्या। तो वो स्त्री अपने बालों का पिन देती है और ये बिल्व मंगल ठाकुर अपने आंखों को आंखों में चुभो लेते हैं पिन को और वो फोड़ लेते हैं हाथ, और फोड़ लेने के बाद बोलेगी आंख ही मेरी शत्रु है जो बार बार इस प्रकार के चीजों से आसक्त हो जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, आंख ही नहीं रहेगा तो फिर मैं देखूंगा ही नहीं। और फिर उसके बाद से फिर उनकी भक्ति शुरू होती है, उसके बाद से फिर उन्हें वास्तव में वृंदावन के दर्शन होते, भगवान कृष्ण उन पर कृपा करते हैं, कृष्ण के भी दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने गीतों की रचना करी है। तो बाद में फिर वो बड़े महान भक्त बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं वो फिर। तो यहाँ पर उनको बाद में ऊंचा स्वाद का प्राप्ति हुआ, उनका ये लोअर टेस्ट छूट गया तो उन्हें ऊंचा स्वाद का प्राप्ति हुआ, ऊंचा स्वाद का प्राप्ति हो गया तो भी दोबारा ऐसे वो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, वो अपने आप को भी गिराए नहीं। क्योंकि एक आचार्य और भी कहते हैं कि जब से मुझे भगवान कृष्ण के भक्ति में नया नया रस आने लगा है तब अगर मेरा मन पुराने स्त्री संघ के बारे में जब सोचता भी है ना तो मैं उस विचार को भी थू करता हूँ। तो क्योंकि उन्हें अभी नया नया रस प्राप्ति हो रहा है, नया नया रस प्राप्ति हो रहा तो लोअर
लोअर जो टेस्ट है, स्त्री संग है वो लोअर टेस्ट है, इसका अगर विचार भी मन में आ गया तो उस पर थू थू करते हैं। तो काम सुख, तुच्छ काम सुख से अगर विरत होना है तो अपने आप को ऊंचा सुख देना पड़ेगा, ऊंचा ब्रह्म सुख अगर मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट से अपने आप विरत हो जाएंगे। जब तक ऊंचा सुख नहीं मिलेगा लोअर टेस्ट से विरक्त नहीं हो सकते, तो ऊंचा सुख देना पड़ेगा। इसलिए प्रभात बोलते हैं कि मैंने सारे हिप्पी लोगों को हायर टेस्ट दिया है, हायर टेस्ट, ये हमेशा ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्थित रहेंगे। तो ऊंचा टेस्ट क्या है, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का रूप से आकर्षण हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से आकर्षण हो जाए, तो ये ऊंचा टेस्ट है, हायर टेस्ट है। तो इसी प्रकार के ऊंचा टेस्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग हमारे डिस्कशन को लेके जाएंगे। भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं में भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पे जब धराधाम पे तो अलग अलग बहुत सारी लीलाएं करी भगवान ने द्वारका में लीला करी, मथुरा में लीला करी, वृंदावन में लीला करी। तो भगवान के तीनों जगह की लीलाओं में, द्वारिका, मथुरा, वृंदावन की लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान की कंसीडर किए जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन की भगवान की लीला सबसे श्रेष्ठ लीला है। भगवान ने अपने भक्तों के साथ सबसे प्रगाढ़ प्रेम का जो प्रकाश किया है भगवान ने वृंदावन में किया है, सबसे प्रगाढ़ प्रेम का जो प्रदर्शन किया है भगवान ने प्रकाश करा वो वृंदावन में करा है। तो सर्वश्रेष्ठ धाम कंसीडर किया जाता है वृंदावन को, सर्वश्रेष्ठ लीला कंसीडर करी जाती है वृंदावन की लीला को, और जो कृष्ण का जो सर्वोत्कृष्ट जो सौंदर्य जो प्रकाशित होता है वो अभी वृंदावन में प्रकाशित होता है। और ये वृंदावन की लीला इतनी मधुर है कि इसमें भगवान कृष्ण भी इन लीलाओं का चिंतन, ध्यान, मनन, स्मरण, गायन करते हैं। तो भगवान भी जिनका जिस लीलाओं का मनन कर रहे हैं वो लीला कितना सर्वश्रेष्ठ होंगे, भगवान भी जिन भक्तों का मनन करते होंगे वो भक्त कितने सर्वश्रेष्ठ होंगे। भगवान हमेशा वृंदावन के भक्तों का, ब्रजवासियों का मनन चिंतन करते हैं। तो हम भी हमारे मन को ना उस वृंदावन के लीलाओं में प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। तो इस समय क्या हो रहा है, इस समय भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम गच्छति, कृष्ण वृंदावन को त्याग कर एक कदम भी बाहर नहीं निकालते, बट फिर भी अभी भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं और मथुरा में भगवान ने बहुत सारी लीला करी है। और ये प्रसंग उसके बाद आता है, भगवान वृंदावन से बाहर हैं, ब्रज से बाहर मथुरा में है और बहुत सारी लीला करी भगवान ने मथुरा में, ये प्रसंग उसके बाद का आता है। मथुरा में भगवान ने कंस का वध किया, कंस का वध करने के बाद भगवान उज्जैन चले गए पढ़ाई करने के लिए। वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का उज्जैन में सनकनी मुनि के गुरुकुल में एडमिशन करा लिया है और वहाँ पे दोनों भाई कृष्ण बलराम अच्छी तरीके से पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई करके गुरु दक्षिणा दे के मथुरा वापस लौटे हैं। और एक्चुअली भगवान कृष्ण का पढ़ाई ब्रज में नहीं हुआ था, वृंदावन में, ब्रज में गोकुल में भगवान पढ़े लिखे नहीं थे। वो क्या करते थे, वो ऐसे ही सिंपली गाय, भैंस, भेड़, बकरी यही सब चराते रहते थे। तो गाय भैंस चराने वाला पढ़ेगा क्या, जो गाय भैंस चराता है वो ग्वाला वो क्या पढ़ेगा, तो वो कुछ भी नहीं देखे थे। वो उन्होंने स्कूल का स्लेट का कभी मूवी नहीं देखा था भगवान ने वृंदावन में। तो जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा गए तो उनके पिताजी वसुदेव जी को बहुत चिंता होता है कि अरे मेरे पुत्र, दोनों पुत्र तो अनपढ़ रह गए, मेरे पुत्र तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। तो तुरंत ही तत्काल ही उनको अपने घर से उज्जैन भेजा, अवंतिका नगरी को उज्जैन कहते हैं। अभी उस समय इसको बोलते थे उज्जैनी, उसका नाम था उज्जैनी नगरी था पहले। मतलब एक ऐसी नगरी जो हमेशा जय दे, विजय दे, वहां पे जो भी जाएगा उसका जय होगा, हमेशा विजय प्राप्त करेगा, उज्जैनी नगरी। तो फिर भगवान को विद्या प्राप्ति करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए
वसुदेव जी उनके पिताजी ने उज्जैनी नगरी भेजा, उज्जैनी जहाँ पे ढेर सारा जैन मिलता, उज्ज मतलब ढेर सारा और जैन जैन मतलब बहुत सारा जैन, बहुत सारा विजय। तो फिर भगवान वहाँ पे सारी शिक्षा वगैरह प्राप्त करके गुरु दक्षिणा देके मथुरा वापस आते हैं। तो एक ऐसा समय था क्वचित, एक ऐसा समय था भगवान किसी समय में बैठे हुए थे मथुरा में, अकेले बैठे थे भगवान थोड़ा एकांत स्थान में वहाँ बैठे हुए हैं। क्वचित किसी स्थान पे किसी काल में भगवान मथुरा में बैठे हुए हैं, तो अचानक से भगवान को ब्रजवासियों की बहुत याद आने लगी, बहुत स्मरण कर रहे हैं ब्रजवासियों के, ध्यान लगा रहे हैं ब्रजवासियों का। अचानक से भगवान को बड़ी बड़ी भगवान का मन बहुत विवल हो गया, भगवान का मन बहुत बेचैन उठा, भगवान बहुत परेशान होने लगे, दुखी हो गए। भगवान आत्मा राम भगवान जो हमेशा आनंद में रहते हैं वो दुख में आ गए, भगवान के आंखों में आंसू भर आए, भगवान बिल्कुल विवल हो गए। और फिर उस समय भगवान ने ब्रज में एक संदेश भेजे, भगवान ब्रज में एक संदेश भेजते हैं, भगवान अपने माता पिता और गोपीजनों के लिए, श्री गोपीजनों के लिए ब्रज में एक संदेश भेजते हैं। भगवान ने दो पत्र लिखे, एक पत्र अपने माता पिता के लिए नंद बाबा यशोदा मैया के लिए लिखे और एक पत्र श्री गोपीजनों के लिए भेजे और संदेश भी भेजे, संदेश भी भेजे, संदेश भी भेजे भगवान ने। तो भगवान ने उद्धव जी को, उद्धव जी को भगवान ने ब्रज में दूध बना के भेजे, उद्धव जी को भगवान ने दूध बना के भेजे। तो उद्धव जी को भगवान ने क्यों चुना दूध बनाने के लिए, उद्धव जी को क्यों ब्रज में भेजने के लिए चुने? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी, उद्धव जी के अंदर क्या क्या विशेषता है कि भगवान ने इतने सारे विष्णु वंशियों में से उद्धव जी को ही क्यों चुना कि उद्धव जी ब्रज में जाएंगे और ये काम करके आएंगे? तो यहाँ पे सुंदर उनका गुणानुकीर्तन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कहते हैं उद्धव जी के लिए, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। तो छह विशेषता, छह गुण बतला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी उद्धव जी के अंदर, कह रहे हैं पहला गुण है वृष्णिनाम प्रवह, विष्णियों में प्रमुख है, विष्णियों में श्रेष्ठ हैं उद्धव जी, ये एक महान गुण है उनका, पहला गुण है। दूसरा विष्णिनाम मंत्री, विष्णियों के मंत्री हैं, विष्णु वंशियों के मंत्री हैं। तीसरा गुण है कृष्ण से मंत्री, कृष्ण भगवान विष्णु वंशी है इसलिए कृष्ण के भी मंत्री है, कृष्ण के मंत्री है। फिर चौथा गुण बता रहे हैं कृष्ण से दैत्य सखा, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा है, प्रिय सखा है। पांचवा गुण बता रहे हैं शिष्यो बृहस्पति साक्षात, साक्षात बृहस्पति देव, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य है। बुद्धि सत्तम, छठवां गुण, सबसे ज्यादा उस समय पृथ्वी पर निवास करने वाले सबसे जो बुद्धिमान मनुष्य है वह है उद्धव जी। ये छह गुण है उद्धव जी के अंदर, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को चुना कि ये जाएंगे ब्रज में और ये मेरा काम करके आएंगे, इन संदेश वाहक बना के पत्र लिख के संदेश दे के भगवान ने उद्धव जी को भेजते हैं, उद्धव जी को भगवान ने भेजा। एक जगह पे भगवान कृष्ण उद्धव जी के लिए कहते हैं न उद्धवो अड़ु अपि मत न्यूनः, कि उद्धव जो है ना, उद्धव मेरे से थोड़ा सा भी कम नहीं है, न्यून, भगवान कह रहे हैं कि अड़ु मात्रा में भी मेरे से न्यून नहीं है। तो अड़ु मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा, अड़ु बहुत थोड़ा, थोड़ा सा भी उद्धव मेरे से कम नहीं है, थोड़ा सा भी कम नहीं है, ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। थोड़ा तो बहुत अल्प अंश, बहुत कम, थोड़ा सा भी उद्धव जी भगवान से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है, थोड़ा सा भी कम नहीं है। यानी भगवान के अंदर जो ज्ञान है, कृष्ण के अंदर जो ऐश्वर्य है, जो कुछ भी सब कुछ भगवान में है, अनंत गुण अनंत विशेषता, वो सब कुछ उद्धव जी में भी विद्यमान है, उद्धव जी उसकी प्रतिमूर्ति है, भगवान से बिल्कुल भी उद्धव जी कम नहीं है, भगवान से बिल्कुल भी उद्धव जी कम नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अड़ु अपि मत न्यूना, उद्धव को मेरे मेरे से थोड़ा भी कम समझो, बिल्कुल मेरा ही
स्वरूप है, ऐसा भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं। और ऐसा भगवान ऐसा नहीं है कि प्रेम में कह रहे हैं, प्रेम में कह रहे हैं, प्रेम में नहीं कह रहे भगवान की उद्धव जी का वाहवाही कर रहे हैं, बहुत प्रिय भगवान को, इसलिए ज्यादा ज्यादा वाहवाही में भगवान ज्यादा ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं कर रहे भगवान। वास्तव में उद्धव जी में कोई कमी नहीं, वास्तव में उद्धव जी में कोई कमी नहीं, इसलिए तो भगवान उद्धव जी को अपने बदले में भेज रहे हैं, अपने बदले में कृष्णा उद्धव जी को ब्रज में, ब्रज में भगवान भेज रहे हैं अपने बदले में। तो भी यहाँ प्रश्न होता है कि उद्धव जी को क्यों बदले में भेजे भगवान ब्रज में, खुद भी तो जा सकते थे, खुद भी तो जा सकते थे भगवान, उद्धव जी को बना के क्यों भेज दिया। उसके कई कारण है, कई कारण है, जो आंतरिक कारण है, मुख्य कारण है, सबसे विशेष कारण है, भगवान खुद क्यों नहीं गए ब्रज में। इतना पता है कि उनके माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया कितने दुख में है, कितना तड़प रहे हैं उनके जाने के बाद, और गुस्सी गोपी जन उन लोग भी कितना दुखी है, और कैसे कैसे तो प्राण धारण करी हैं, सब कुछ जानते हुए भी भगवान ब्रजवासियों की दशा हालात सब जानते हुए भगवान क्यों खुद नहीं गए। पता भी है भगवान को, चिंता भी हो रही है, फिर भी भगवान खुद क्यों नहीं गए, कितना दूर था मथुरा से वृंदावन, खुद भी जा सकते थे भगवान, खुद क्यों नहीं गए। उसका एक मुख्य आंतरिक कारण यह है, आचार्य बताते हैं कि क्योंकि भगवान श्री गोपी जनों के प्रेम के उत्कर्ष को सारे संसार को दिखाना चाहते हैं। गोपी जनों का जो सर्वोत्तम कोटि का जो प्रेम है वो भगवान प्रकाश करना चाहते हैं पूरे संसार में, इसलिए भगवान नहीं गए, इसलिए भगवान नहीं गए। वीरा का जो, वीरा में जब गोपियां कृष्ण को प्रेम करेंगे तो गोपियों के प्रेम का सर्वोत्कृष्ट प्रकाश प्रकाशित होगा, संपूर्ण संसार जो प्रेम के उच्चतम स्तर है उसको देखेगा गोपीजनों के माध्यम से, इसलिए भगवान नहीं गए, इसलिए भगवान खुद नहीं गए, इसलिए भगवान खुद नहीं, गोपीजनों के प्रेम के उत्कर्ष को संपूर्ण संसार को दिखाना है, इसलिए भगवान खुद नहीं गए वृंदावन, इसलिए भगवान खुद नहीं गए, इसलिए उद्धव जी को भेज रहे हैं, इसलिए भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं। और बाहरी तरीके से आंतरिक मुख्य कारण है, बाहरी तरीके से देखेगा ना भगवान के प्रकट लीला में तो भगवान कृष्ण को फुर्सत ही नहीं मिला, भगवान कृष्ण बहुत व्यस्त रहे, भगवान कृष्ण बड़े बिजी रहे, व्यस्त रहे, फुर्सत नहीं पाए। उन्होंने देखा कि हमने कंस का वध किया आज भगवान ने, कंस के वध के बाद जरासंध भगवान के पीछे लग गया कि मेरे दामाद का मार दिया, तो जरासंध ने फिर प्लान बनाया और उसने योजना बनाई कि मैं, जरासंध ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को यादवहीन कर दूंगा, मैं संपूर्ण पृथ्वी को यादवहीन कर दूंगा। तो एक्चुअली भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ था, तो इसलिए उसने ऐसा प्रतिज्ञा लिया कि आ यादविम महिम कर तुम, उसने भीषण प्रतिज्ञा लिया कि संपूर्ण मही को, संपूर्ण पृथ्वी को मैं यादवों से हीन कर दूंगा, यादव से हीन कर दूंगा। तो सारे यादव मोस्टली मथुरा में बसे थे, वैसे तो कंस के अत्याचार से सारे यादव पहले ही भाग गए थे, इधर उधर कहीं पर भी वो लोग भाग गए थे, अज्ञातवास में रह रहे थे, छिप के रह रहे थे, यत्र तत्र कहीं ना कहीं वो लोग अपना अव्यक्त जगह पे रह रहे थे, वो लोग सारे यादव पहले ही भाग गए थे। लेकिन फिर भी जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किए तो फिर सारे यादवों को जहाँ छिपके रह रहे थे डर के, कंस के भय से, अत्याचार से, तो भगवान ने फिर सारे यादवों को बुलाया, सारे यादवों को भगवान ने बुलाया मथुरा वापस, उनके रहने की व्यवस्था करी, उनके खान पान की व्यवस्था करी, और उनको सारे यादवों को भगवान ने परम सुख प्रदान किए, सारे यादवों को भगवान ने बहुत बहुत सुख दिया, बहुत सुख दिया, बहुत सुख दिया। तो अभी जरासंध आक्रमण करने वाला है और इसको भगवान जान रहे हैं, तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं नहीं रहूंगा इधर, मैं अगर ब्रज में चला जाता हूँ तो यहाँ जरासंध आके सबका वध कर देगा, सबको मार देगा, और कुछ को मारेगा, कुछ को जीवित पकड़ के ले जाएगा, उन्होंने बहुत कष्ट पहुंचाएगा। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि इस समय मेरा जाना ठीक नहीं है, इस समय मेरा जाना ठीक नहीं है, ठीक है भगवान ने जाना मैंने ठीक नहीं था, तो भगवान नंद बाबा को, यशोदा मैया को बुला लेते, मथुरा बुला लेते, या गोपी जनों को बुला लेते, तो क्यों नहीं बुलाए भगवान, क्यों नहीं बुलाए, कितना दूर था, बुला लेते भगवान, क्यों नहीं बुलाते।
तो दूर तो था नहीं, भगवान इसलिए नहीं बुला कि अगर इनको इनको भी बुला लेता हूँ, नंद बाबा यशोदा मैया गोपी जनों को यहाँ बुला लेता हूँ अपने पास, तो भी उन लोगों को बहुत दुख होगा, क्योंकि जब जरासंध आएगा आक्रमण करेगा बहुत भयानक युद्ध होगा, और इसलिए बुलाना ठीक नहीं रहेगा। वहाँ पे कम से कम शांति से रहेंगे, और यहाँ आके बड़े त्राही त्राही मच जाएगी और बड़े दुखी हो जाएंगे यहाँ पे आके, इतना आक्रमण होगा युद्ध होगा, इसलिए भगवान उनको बुलाए भी नहीं, इसलिए भगवान उनको बुलाए भी नहीं। एक ही कारण है जो तो जरासंध का आक्रमण का दुख नहीं देना चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि अगर मान लीजिए भगवान नंद बाबा को बुला ली होते, सारे बचवासियों को बुला ली होते, तो यहाँ पे वसुदेव जी उनके भगवान दोनों के पुत्र हैं, नंद बाबा के भी पुत्र हैं और वसुदेव जी के भी पुत्र हैं, तो यहाँ पे वसुदेव जी देवकी माता वो भगवान को आप मेरा पुत्र यह कर बहुत प्रेम करते, यह और सबके सामने करते, सारे ब्रजवासियों के सामने अगर वसुदेव जी देवकी मैया भगवान को मेरा पुत्र है मथुरा में जन्मा है यह कहकर बहुत ज्यादा प्रेम दिखाएंगे, भगवान को चिंता लग गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो मेरे लिए शिथिल हो जाए, इसलिए भी भगवान ब्रजवासियों को अपने पास बुलाए नहीं मथुरा, इसलिए भी नहीं बुलाए उनको। भगवान के मन में कहीं ना कहीं ऐसा भावना था कि जब सारे ब्रजवासियों लंबा समय तक मेरे पास मथुरा में रहेंगे और बार बार देखेंगे कि ये देवकी और वसुदेव जी मुझे अपने पुत्र कह करके बहुत ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं, तो कहीं उनके जो स्वाभाविक जो प्रेम है उसमें कहीं शिथिलता ना आ जाए, इसलिए भी भगवान ने बहुत ज्यादा मतलब उनको अपने पास बुलाने का प्रयास नहीं किया कि मेरे पास आके रह ले, इसलिए भगवान ने दी। क्योंकि अब तक सारे ब्रजवासियों को तो यही जानते हैं कि कृष्ण तो नंद महाराज का पुत्र है और यशोमती यशोदा मैया का पुत्र है, यशोदा माता का पुत्र है, यही जानते हैं, इसलिए भी भगवान ब्रजवासियों को अपने पास बुलाना नहीं चाहते थे ताकि उनका प्रेम में शिथिलता ना आ जाए, यह जान के कि ये तो वसुदेव और देवकी जी का पुत्र है, इसलिए भगवान बुलाए नहीं। तो यहाँ पे भगवान जो है भगवान सोच रहे हैं, देखो मुझे परमानेंट तो यहाँ पे रहना नहीं है, कुछ दिन ही इधर बिताना है मथुरा में द्वारिका में भक्तों का रक्षा करना है। और एक्चुअली सारे भक्त बहुत दुखी भी थे, सारे भक्त जो है बहुत दुखी है, कंस ने उन सब पे बड़ा अत्याचार किया था, कंस ने बहुत सब लोगों को सताया था, सब अपने घर इत्यादि को छोड़ के सब चले गए थे, कैसे करके उनका गुजारा चल रहा था, तो और वो भगवान के बुलाने पे मथुरा आए थे दोबारा, भगवान सोच रहे थे अगर मैं ब्रज में चला गया तो बड़ी विपत्ति आ जाएगी, तो भगवान अपने भक्तों का भी चिंता कर रहे हैं, और भगवान सोचने कि अल्टीमेट मुझे ब्रज में जाना ही है, एक बार ब्रज में जाना ही है अपने भक्तों से मिलने, माता पिता और गोपीजनों से मिलने, तो ठीक है अभी के लिए दुख दूर करने के लिए मैं उद्धव को भेज देता हूँ। यहाँ पे उद्धव जी के बहुत महान गुण गिनवा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं विष्णुनाम प्रवह विष्णुओं में श्रेष्ठ है, उद्धव जी विष्णुओं में श्रेष्ठ है। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक उद्धव जी की एक लायकात है कि उद्धव जी मात्र ऐसे हैं जो वृंदावन में ब्रज में जाएंगे और नंद बाबा यशोदा मैया और गोपी जनों को समझाने में वही समर्थवान होंगे। प्रवर श्रेष्ठ है, वृष्णि वंशियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। और उस समय जो विष्णु वंश था पृथ्वी पे सबसे श्रेष्ठ कुल में माना जाता था, और उसमें भी उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं वृष्णि नाम विविध भावना नाम अपि सर्वेषाम एव यावदा नाम सम्मता अति यादृता इति परम चातुर्य। ये उद्धव जी के बारे में सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं विष्णुनाम प्रवरः, विष्णुवंशियों के तो मंत्री थे, विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ थे, और विष्णुवंशियों में भी लोग अनेक अनेक भावनाओं वाले थे, लेकिन उद्धव जी से सब प्रेम करते थे, अलग अलग भावना के लोग, चाहे कोई जैसा भी हो,
कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, कोई कैसा भी हो, उद्धव जी से सब प्रेम करते थे और उद्धव जी का सब आदर करते। उद्धव जी सभी के द्वारा आदरित थे और परम चतुर थे। किसी को भी समझाना हो, किसी को भी मंत्रणा देना हो, वो परम चतुर। इसलिए विष्णुवंशियों के मंत्री थे, विष्णुवंशियों के मंत्री थे। मंत्री का अर्थ क्या होता है? मंत्री का अर्थ होता है गुप्त युक्ति प्रदा इति मंत्री। जो गुप्त युक्ति प्रदान करे, जो गुप्त योजना प्रदान करे, वो मंत्री होता है। वो तो उद्धव जी जो कभी कभी मंत्रणा देते थे ना, जो कभी कभी स्थितियां विकट हो जाते हैं, फंस जाते, उद्धव जी की जो मंत्रणा होती थी ना, अद्भुत मंत्रणा देते थे। बहुत लोग प्रसन्न हो जाते थे, बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से, बहुत आसानी से प्लीजेंट वे में सुलझा देते थे। तो मंत्री, मंत्री का मतलब होता है जो मंत्र दे, जो मंत्र दे वो मंत्री है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्र का अर्थ होता है राय, परामर्श। तो राजा लोग अपने लिए मंत्री रखते थे, मंत्री लोग जो मंत्रणा देते थे राजा लोग को कि इस समय यह कार्य करना चाहिए, मंत्री मंत्री। तो सबसे बड़ा मंत्र क्या है? सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और इसको देने वाला सबसे बड़ा मंत्री है, जो हरे कृष्ण महामंत्र दे वो सबसे बड़ा मंत्री है, सबसे बड़ा मंत्री है। तो हम देखते हैं कि हम सबके जीवनों में जो शील प्रभुपाद है वो सबसे बड़े मंत्री है। शील प्रभुपाद ने दयालु है, शील प्रभुपाद ने पूरे संसार को हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, ये सबसे बड़ा मंत्र है, ये सबसे बड़ा मंत्र है। इससे सब कल्याण हो जाएगा, इससे सब कल्याण हो जाएगा, है ना। सबको ये देना चाहिए, सबको ये बोलना चाहिए, सबसे बड़ा मंत्र है ये, सबसे बड़ा मंत्र है और इसको देने वाला सबसे बड़ा मंत्री है। तो शील प्रभुपाद सबसे बड़े मंत्री है, है ना, अम्बेसडर ऑफ गॉडहेड, भगवान के, भगवान के द्वारा भेजे गए दूत। भगवान ने जिन मंत्री को भेजा है, भगवान कृष्ण ने जिन मंत्री को भेजा, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोले थे मेरा सेनापति भक्त आएगा, तो सेनापति भक्त मंत्र लेके आया। मंत्री भगवान के द्वारा नियुक्त, भगवान के द्वारा अपॉइंटेड जो मंत्री है वो श्रील प्रभुपाद है। उन्होंने सुंदर मंत्र प्रदान किया पूरे संसार, पूरे संसार के, पूरे संसार के दुखों को हरने वाला मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। और देने वाले हैं सुंदर मंत्री श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग है वर्तमान गुरु वृंद आचार्य, वो सबसे बड़े मंत्री है जो इतने बड़े महान दानी है हरे कृष्ण महामंत्र को दे रहे हैं। सबसे बड़े मंत्री है, पूरे संसार का कल्याण कर रहे हैं, पूरे संसार का कल्याण कर रहे हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी का ये विशेषता है, उद्धव जी सारे विष्णुवंशियों के मंत्री है, इतना ही नहीं कृष्णा से मंत्री, कृष्ण के मंत्री है, कृष्ण के मंत्री है, परम भगवान श्री कृष्ण उनको मंत्रणा दे रहे हैं। उनको और का तो कहना क्या, जब कृष्ण को कोई सलाह लेनी हो उद्धव जी से सलाह ले रहे हैं, भगवान उद्धव जी से सलाह ले रहे हैं। और फिर उनका एक विशेषता बता रहे हैं कृष्ण से दैत, कृष्ण भगवान के दैत हैं। दैत का दो अर्थ होता है, एक दैत का अर्थ होता है प्रिय, एक दैत का अर्थ होता है दया का पात्र। तो यहाँ पे उद्धव जी हैं, उद्धव जी को बता रहे हैं कि उद्धव जी दया के पात्र हैं भगवान के, कृष्ण के दया के पात्र हैं, कृष्ण के दया के पात्र हैं। इसलिए तो भगवान ने उद्धव जी को भेज रहे हैं दूध बना के, उद्धव जी को दूध बना के भेजा ब्रज में। तो भगवान ने उन पे क्या दया दिखाया, उद्धव जी पे भगवान ने क्या दया दिखाया? तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि उद्धव जी के ऊपर ना भगवान की बचपन से दया थी। जब उद्धव जी बहुत छोटे थे ना, 5 वर्ष के थे, तब से ही भगवान की विशेष कृपा है उद्धव जी पे, विशेष दया दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं यह पंचायनो मात्रा प्राप्त आया याचित तन छ रचयन यश सुपरेन बाल लीलयन। उद्धव जी जिस समय 5 वर्ष के थे ना, उसी समय से बहुत छोटे पना से ही उद्धव जी के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए विशेष अनुराग है, विशेष अनुराग, बहुत अनुराग, बहुत प्रेम है। बाल लीला में ही उद्धव जी भगवान को चावल डुला रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं और सब कुछ कर रहा है छोटा 5 वर्ष का बच्चा। और उद्धव जी की जो माँ है उद्धव को बिल्कुल बोल रही है बार बार उद्धव से प्रार्थना करिए, पुत्र पुत्र
याचिता पुत्र पुत्र भोजन कर लो, भोजन कर लो, नाश्ता नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, बार प्रार्थना करे बेटा खा लो खा लो खा लो, है ना। लेकिन अभी उद्धव जी का कुछ खाने का इच्छा नहीं है। उद्धव जी तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। उद्धव जी भगवान को आरती कर रहे हैं, भगवान को चामर ढुला रहे हैं, प्रणाम आदि अर्पित कर रहे हैं। उद्धव जी पूरे तरीके से भगवान में रत है, पूरे तरीके से रति भगवान में लगी हुई। ऐसा नहीं कि उद्धव जी किसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, घर पे ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, घर पे ही सेवा कर रहे हैं। बाल लीला में, बाल चेष्टा में उद्धव जी पूरे तरीके से सुबह से लेकर रात तक उद्धव जी कृष्ण की सेवा करने में ही लगे हुए हैं, है ना, भगवान की सेवा करने में लगे हुए। 5 वर्ष का बच्चा है और छोटा बच्चा, छोटे बच्चे लोगों को कितना भूख लगता है, छोटे बच्चे लोगों को सुबह ही सुबह भूख लग जाता है। नाश्ता सुबह सुबह नाश्ता चाहिए, नाश्ता, नाश्ता का संस्कृत अर्थ होता है, नाश्ता संस्कृत शब्द है नाश्ता, मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट, नाश्ता, आस्था मतलब होता है भोजन, आस्था मतलब होता है भोजन, ना आस्था मतलब होता है जो भोजन नहीं है वो नाश्ता है, ना मतलब नहीं, आस्था मतलब भोजन, जो भोजन नहीं है वह नाश्ता है। लेकिन आजकल तो ब्रेकफास्ट ही इतना हैवी होता है तो भोजन का जरूरत ही नहीं पड़ता, ओवर टू हैवी ब्रेकफास्ट होता है आजकल। लेकिन ब्रेकफास्ट नाश्ता का मतलब होता है जो भोजन है, सिंपल सिंपल हल्का लाइट। तो उद्धव जी की माता उद्धव जी को बिल्कुल कई बार प्रार्थना करती, उद्धव पुत्र खा लो, पुत्र खा लो, पुत्र खा लो, लेकिन उद्धव जी को चिंता ही नहीं खाने पीने की, उनका ध्यान ही नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है। भगवान की सेवा में उनको इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद प्राप्ति हो रही है, ऊंचा सुख प्राप्त कर रहे हैं, उनको भूख प्यास का समझ भी नहीं आ रहा कि मुझे भूख लग रही है। खेलने इत्यादि में अनुरक्त नहीं उद्धव जी, बचपन से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, बचपन से भगवान में पूरी तरीके से रत है, पूरी तरीके से रत है। ये छोटा बच्चा होता है ना तो उसको सुबह सुबह तेजी से भूख लगती है, उसके पेट की अग्नि बहुत तेजी से प्रदीप्त होती, जलती है पेट में, और ज्यादा भूख लगती है। जैसा हम कृष्ण की लीला में भी देखते हैं, जब भगवान कृष्ण सोते थे, सुबह सुबह उठते थे, तो उठते मानी यशोदा मैया उनको स्तन पान कराती थी, भगवान को दूध पिलाती थी, भूख लग जाती थी भगवान को। और अभी कार्तिक महीना चला दामोदर मास, तो भगवान को देखते ना कि कितनी, उठते ही भगवान ने सुबह सुबह यशोदा मैया का दूध पीने लगे, और यशोदा मैया ने दूध को बचाने के लिए जब कृष्ण को जमीन पर रखा, कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, कृष्ण ने बहुत क्रोध किया, और भगवान ने फिर मटकी फोड़ दिया, और फिर यशोदा मैया ने भगवान को फिर उखल से बांध दिया है, उखल से बांधा है। तो यहाँ पे एक प्रमाण है कि बच्चे को ना भूख बहुत ज्यादा लगती है, छोटा बच्चा को अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित रहती है पेट में, तो भूख सुबह सुबह से ही लग जाती है बच्चे को, बच्चा खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है। और लेकिन यहाँ पे उद्धव जी को ना कोई भूख प्यास की चिंता नहीं है, उद्धव जी बचपन से ही भगवान के सेवा में पूरे तरीके से अपने आप को डुबाए रखे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भूख क्या होता है, प्यास क्या होता है, वो तो बस अपनी सेवा सेवा से ही परम सुख प्राप्ति हो रही है, सेवा से ही उद्धव जी को परम सुख प्राप्ति हो रही है। हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ट्रिप्स वगैरह में जाते हैं, तो सबसे पहले प्रसाद का अरेंजमेंट करना होता है कि मॉर्निंग का प्रसाद फुल प्रसाद हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद भक्त आराम से दिन में चल लेंगे, शाम में फिर अच्छा प्रसाद होना चाहिए। भक्त भी ऐसा अनुरक्त कि मतलब प्रसाद के बिना काम चल जाए, ऐसा हमारा लोग का भी काम नहीं होता है ना, प्रसाद चाहिए होता है इतने बड़े बड़े उम्र होने के बाद भी। लेकिन उद्धव जी 5 वर्ष का छोटा बच्चा है, उसको प्रसाद का चिंता नहीं है, माँ बार बार जब प्रार्थना कर रही है पुत्र खा लो पुत्र खा लो, उसको कोई चिंता नहीं हो रहा है, उसको कुछ भी चिंता नहीं हो रहा है। इसलिए उद्धव जी बचपन से ही भगवान के दया के पात्र बन गए, भगवान के दया के पात्र बन गए, बचपन से भगवान की विशेष कृपा है, बचपन से भगवान की विशेष कृपा है भगवान के ऊपर, उद्धव के ऊपर। और उसके बाद उद्धव जी भगवान के दैत्य, दैत्य का दूसरा अर्थ होता है प्रिय सखा, भगवान के प्रिय मित्र भी है उद्धव जी, भगवान के प्रियतम सखा है, भगवान के प्रियतम सखा है उद्धव जी। प्रियतम सखा का जो मीनिंग होता है, सखा का अर्थ होता है सखा, सखा जो साथ साथ खाए वो सखा है, जो साथ साथ खाए वो सखा है, जो साथ खाए तो बाहरी मीनिंग है, जो साथ खाए वो सखा है, जो साथ में खाए वो बिल वो सखा है। तो एक सखा का ये मीनिंग है, और दूसरा सखा का मीनिंग होता है आंतरिक अर्थ होता है, सखा मतलब जो आंतरिक भावना को समझे,
और वैसा कार्य कर दे अपने मित्र को सुख देने के लिए, वैसा कार्य करे जैसा मित्र चाहता है तो वो सकता है। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण की इच्छा को पूरी तरीके से समझते थे और कृष्ण की इच्छा को पूरी भी कर देते थे, जो कृष्ण चाहते हैं समझ जाते थे और उसको पूरी करते थे। इसलिए भी उद्धव जी भगवान कृष्ण के बिल्कुल प्रिय सखा है, बिल्कुल कृष्ण के समान है और कृष्ण की इच्छा वो जानते हैं और उसको पूरा करने में समर्थवान है, उसको पूरा करने में समर्थवान है। इसलिए भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं। उद्धव जी पे भगवान ने दूसरी दया क्या दिखा रही है, बचपन से दयालु हैं, अब उद्धव जी पे दूसरी दया क्या दिखा रहे हैं। भगवान सोच रहे देखो मेरा प्रिय मित्र है, मेरा प्रिय सखा है और इतना पढ़ा लिखा है, इतना योग्य है, विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ है, विष्णुवंशियों का मंत्री है, मेरा मंत्री है और बृहस्पति गुरु का शिष्य है, स्वर्ग में जाकर पढ़ाई किया, कोई पृथ्वी पे कितना पढ़ाई करेगा, पृथ्वी पे लोग क्या पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे एक देश से दूसरे देश में जाएंगे इतना ही घूम सकते हैं, कोई ऐसा तो हम उदाहरण नहीं पाते हैं पृथ्वी लोग पे, पृथ्वी लोक पे व्यवासी कोई स्वर्ग लोक में आदि जाके पढ़ाई किया है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता हमें पृथ्वी पर। लेकिन यहाँ पे उद्धव जी का क्वालिफिकेशन इतना ज्यादा कि उद्धव जी पृथ्वी पे नहीं पढ़े हैं, उद्धव जी तो स्वर्ग में जाके पढ़े हैं, स्वर्ग में जाके पढ़े हैं। और स्वर्ग में किससे पढ़े हैं, स्वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो स्वर्ग के देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उनसे शिक्षा लिया है। देवगुरु बृहस्पति भी उद्धव जी से बड़े इम्प्रेस है, बड़े प्रभावित है, क्योंकि बचपन से ही वो बड़े भक्त हैं और उसके बाद बड़े मेधावी है, तो बृहस्पति जी भी इन पे विशेष प्रकार से इन पे कृपा करे हैं और पर्सनली पढ़ाया है इनको, अपने ऐसा नहीं कि किसी अपने और किसी शिष्यों को लगा दिया कि तुम पढ़ा दो, ऐसा नहीं, खुद पर्सनली पढ़ाया है, पर्सनली पढ़ाया है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी वर्णन आएंगे, देवगुरु बृहस्पति भी बहुत बड़े वैष्णव है, बहुत बड़े वैष्णव, वो एक भागवत परंपरा में आते हैं, सारी भागवत परंपरा है, एक भागवत परंपरा में देवगुरु बृहस्पति भी आते हैं। एक भागवत परंपरा से हम देखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव, एक परंपरा ऐसी चली जाती है। एक परंपरा में संकर्षण, भगवान संकर्षण वो चारों कुमारों को ज्ञान देते हैं और उसके बाद उसी परंपरा में निम्बकाचार्य आते हैं, तो उसमें परंपरा में देवगुरु बृहस्पति आते हैं, तो वो देवगुरु बृहस्पति इनके पर्सनल गुरु बने हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त की है, उनसे शिक्षा प्राप्त की है। तो भी भगवान को लग रहा है कि इतना सब होने के बाद भी ना ये मेरे जो प्रिय, जो मेरा मित्र है, मेरा प्रिय भक्त है, इसके अंदर एक कमी तो है ही, एक कमी तो है ही, सारा शास्त्र पढ़ लिया लेकिन इसको प्रेम का शास्त्र पढ़ा नहीं है, इसको अगर इसका प्रेम शास्त्र पढ़ ले तो इसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान प्रेम शास्त्र पढ़ाने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजना चाहते हैं, तो ये भी भगवान की दया है, ये भगवान अपने उद्धव पे, अपने उद्धव पे, अपने सखा पे भगवान दया कर रहे हैं, उसको ब्रज में भेज के भगवान चाहते हैं कि ये गोपीजनों से प्रेम का पाठ सीखे, श्रीमती राधा रानी आदि गोपीजनों से प्रेम का पाठ सीखे, प्रेम का पाठ सीखे, और इसका जो सबसे बहुमूल्य चीज है ना वो भगवान अपने भक्त को, उद्धव जी को देना चाहते हैं, भगवान देना चाहते हैं, भगवान देना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि मेरे उद्धव को ब्रज का प्रेम का प्राप्ति हो जाए, जो गोपीजन है, गोपीजन का कृष्ण के प्रति प्रेम है, जब उसको उद्धव उसको देखेगा, उसको सुनेगा, जब गोपीजनों के प्रेम के विकार को जब उद्धव अनुभव करेगा तब इसका परम कल्याण होगा, तब इसका परम कल्याण होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं कि ये विचार से भगवान ही विचार कर रहे हैं और ये विचार से भगवान ने उद्धव जी को भेजा वृंदावन में, उद्धव जी को प्रेम प्रेम प्राप्ति हो जाए, ब्रज का प्रेम प्राप्ति हो जाए, ये भावना से भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं प्रेम प्राप्ति कराने के लिए, प्रेम प्राप्ति कर। और साथ में भगवान ये भी मनसा है कि थोड़ा माता पिता को, यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपीजनों को सांत्वना प्रदान करेंगे, सांत्वना प्रदान करेंगे, थोड़ा उनका भार, उनका जो दुख है उनका थोड़ा दुख कम हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा, यह समझ के भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं। तो भगवान मथुरा में बैठे हुए हैं, एक बार भगवान बड़े दुख में हैं, भगवान को वृंदावन की ब्रजवासी भक्तों की बड़ी याद आ रही है, भगवान ने उद्धव को बुलाया है, उद्धव जी भगवान के एकदम बगल में, बगल एकदम समकक्ष, भगवान के समकक्ष भगवान के आसन पर बैठे हुए हैं और भगवान ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथों में लिया है,
अब वन हाथ उद्धव जी का पकड़ के उद्धव जी को बोले हैं, उद्धव हे प्रिय मित्र, हे सखा, तुमसे बड़ी गुप्त बात कह रहा हूँ। तुम इसको सुनो और तुम ही इसको पूरा करोगे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। गृहत्वा पाणिनाम पाणिम। तो उद्धव जी के हाथों को भगवान ने अपने हाथों में पकड़े हैं और उद्धव जी को अभी बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान के लिए ना प्रपन्नम वर्ड यूज किया जाता है, आरती हर प्रपन्नम, यानी जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उनका हर प्रकार से उनको दुख का शमन करते हैं, हर प्रकार से उनके दुखों का नाश करते हैं भगवान, है ना। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हर मन इति हरि। तो जो सब प्रकार के अमंगल को हर लेते हैं, सब प्रकार के भक्त के जीवन से हर प्रकार के अमंगल को हर लेते हैं और प्रेम प्रदान करते हैं अपना और मन को हर लेते हैं, वो हरि है, वो हरि है, वो हरि है। जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं उनका भगवान हर प्रकार से अमंगल हरते हैं, उसको प्रेम प्रदान करते हैं, उसके मन को हर लेते हैं, उसको मन को हर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान ना एकांत जगह पे बैठे हैं, एकांत जगह पे बैठे हैं उद्धव जी के साथ में, और प्लस यहाँ पे ना एक उद्धव भगवान के एकांतिक भक्त है, एकांतिक भक्त है। यहाँ पे एकांतिक भक्त की परिभाषा पद्म पुराण में दी गई है। पद्म पुराण कहते हैं एकांतिक भक्त कौन होता है, एकांतिक भक्त वो होता है जिसका किसी देवी देवता पर भरोसा नहीं होता, जो किसी और के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, वो पूरे तरीके से कृष्ण में रत होता है, और ऐसे भक्त को एकांतिक भक्त कहते हैं। देवी देवता पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा और किसी और के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, उसके सर्वस्व उसके सब कुछ कृष्ण होंगे, एक अंत एक अंत एकांत एकांत, उसका गति उसका मति हर प्रकार से उसका सब कुछ कृष्ण ही होते हैं, कृष्ण होते हैं। तो उद्धव जी का भगवान ऐसे एकांतिक भक्त, उद्धव जी का भगवान हाथ पकड़े हैं, क्या पकड़े, कितना ये सुंदर महान प्रिय प्रसंग है ना। भगवान कृष्ण जो सर्वसमर्थ है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, सर्वव्यापी है, कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। आज भगवान खुद ही ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं कि आज भगवान वृंदावन ब्रज में नहीं जा सकते, अब भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं अपने बदले में, कि उद्धव मैं नहीं जा सकता लेकिन हे प्रिय मित्र तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं गच्छ उद्धव, ओ जाओ जाओ उद्धव, तुम जाओ तुम जाओ। भगवान कह रहे उद्धव मेरे मेरे वीरा में ये जो ब्रजवासी लोग हैं वो बड़े ना पीड़ा को प्राप्त हो रहे हैं, बड़े पीड़ा को प्राप्त हो रहे हैं। हे उद्धव तुम ना बड़े सौम्य हो, तुम बड़े सौम्य, तुम चंद्रमा के समान शीतल हो, तुम चंद्रमा के समान शीतल हो, तुमको देखने मात्र से ही ना दुख दूर हो जाता है, तुम जाओ और सारे जो ब्रजवासी जन है ना उनके उनके तुम दुख को तुम शमन कर दो, उनके तुम दुख को मिटा दो। मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया और जो गोपी जन है उनके कष्ट को दूर कर दो, तुम जाओ तुम जाओ, है ना। तो पित्रो नौ पितिम आवह। तो यहाँ पे भगवान ना अपने भगवान भगवान यहाँ पे दो तरह का शब्द व्यवहार कर रहे हैं। भगवान अपने भगवान कह रहे हैं देखो तुम जब वृंदावन में जाओगे ना, ब्रज में जाओगे, मेरे माता पिता से मिलोगे ना, तो मेरे माता पिता को प्रीति देना, मेरे माता पिता को प्रसन्नता देना, प्रसन्नता देना, तुम उनको सुख पहुंचाना, तुम्हारे जाने से उनको सुख का प्राप्ति होगा, तुम ऐसी व्यवस्था करना तो उद्धव जाके कि मेरे माता पिता को बहुत सुख का प्राप्ति हो जाओ। और कैसा सुख का प्राप्ति हो, जिस प्रकार से गंगा का धारा अखंड बहता है, गंगा के धारा में कभी रुकावट नहीं आता, उस प्रकार का सुख तुम मेरे माता पिता को देना, ताकि तुम जब लौट के भी आ जाओगे, तुम ब्रज से लौट के तुम मथुरा आओगे तो भी मेरे माता पिता का सुख कम ना हो, मेरे माता पिता का सुख बना रहे। तुम कुछ ऐसी व्यवस्था करना उद्धव, तुम ऐसी व्यवस्था करना, ऐसी व्यवस्था करना। तो यहाँ पे भगवान ना अस्माकम पितो का वर्ड यूज कर रहे हैं, अस्माकम पितो, कि हमारे माता पिता को सुख प्रदान करना हमारे। तो एक तो भगवान का ये गौरव बुद्धि है, आचार्य बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पे गौरव बुद्धि कर रहे हैं, मतलब भगवान को बड़ा गर्व है कि भगवान नंद बाबा यशोदा मैया के पुत्र हैं, इसलिए भगवान हमारे वर्ड, हमारे माता पिता को सुख देना, भगवान अपने आप को भी जोड़ रहे हैं उसमें, मेरे माता पिता है नंद बाबा यशोदा मैया, उनको सुख देना। और साथ में उद्धव जी को भी एक तरह से बोल रहे हैं कि देखो वो मेरे माता पिता है इसलिए तुम्हारे भी माता पिता है, वो बहुत दुखी है मेरे वीरा में, उनको तुम सुख प्रदान कर देना, उनको तुम सुख प्रदान कर देना, है ना।
और लेकिन यहाँ पे गोपी जानों के लिए भगवान ये नहीं कर रहे हैं, गोपी जानों के लिए भगवान ये नहीं कर रहे, तो उसको प्रदान करना, भगवान गोपी जानों के लिए व्यवहार कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गोपी जानों के पास जाके ना उनका दुख को दूर करना, मतलब भगवान जानते हैं कि गोपी जनों का सुख तो उद्धव प्रदान ही नहीं कर सकते, गोपी जनों को सुख तो प्रदान नहीं कर सकते, भगवान बस बोल रहे हैं कि तुम गोपी जनों के पास जाना और उनका उनको तुम दुख से ना थोड़ा सा उनका दुख का शमन करना, क्योंकि गोपी जनों को सुख तो कल कृष्ण नहीं पहुंचा सकते हैं, गोपी जनों का सुख तो तभी मिलेगा जब श्याम सुंदर उनके पास आएंगे, जब वो अपने आंखों से कृष्ण को निहारेंगे तब तो गोपी जनों को सुख होगा, गोपी जनों को सुख कृष्ण के अलावा और कोई नहीं पहुंचा सकता। तो लेकिन यहाँ पे जो गोपी जन जो बिल्कुल टूट रही है ना कि अब तो कृष्ण से दोबारा कभी मिलना नहीं होगा, कृष्ण मथुरा में जाके उनको हमेशा के लिए बिसा दिए हैं, भूल गए हैं, तो इस दुख से उनको थोड़ा सा तुम राहत पहुंचा देना, इस दुख से तुम ऐसे उनको थोड़ा सा हिम्मत देना, ढाढ़स प्रदान करना कि मैं उनको भूला नहीं हूँ, मैं उनको स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, है ना, इस दुख से तुम थोड़ा सा शांति पहुंचाओगे, इस दुख से तुम थोड़ा जो भगवान करें जोंक की तरह, जो वैसे होता है ना जो कीड़ा होता है जो जो चिप जाता है ना तो छोड़ता नहीं है, बड़ा कष्ट प्रदान करता है, तो भगवान करें जोंक की तरह जो गोपी जनों को दुख बिल्कुल चिपट गया है, जो जकड़ लिया है जोंक की तरह गोपी जनों को, जो हृदय में गोपी जनों के जो जोंक जैसा दुख संलग्न हो गया कि कृष्ण से दोबारा कभी नहीं मिलना होगा, कृष्ण से कृष्ण उनको भूल गए हैं, ये जो दुख है ना, ये जो दुख उनके हृदय से जो चिपक गया है, जो गोपी जन महान दुख महान प्राप्त हो रही है, उद्धव तुम जाकर उस बीड़ा को थोड़ा दूर कर दो, उस दुख को थोड़ा सा दूर कर दो, उस दुख को थोड़ा सा दूर कर दो, है ना, उस दुख को दूर कर दो, उस दुख को थोड़ा सा दूर करके गोपी जनों को थोड़ा सा राहत प्रदान करो, थोड़ा सा राहत प्रदान करो, ये भगवान उद्धव जैसे कह रहे हैं। फिर गोपी जनों की भगवान कितना कृष्ण के लिए गोपी जन व्याकुल है, कृष्ण कितना कृष्ण के लिए तड़प रही है, वह भगवान उद्धव जी से वर्णन करते हैं, वो भगवान उद्धव जी से वर्णन करते हैं, भगवान कहते हैं देखो उद्धव ये गोपी जन है ना, ये गोपी जन पूरे तरीके से दिन रात मेरे में लगी हुई, मेरे में लगी हुई, हर प्रकार से, हर प्रकार से गोपी जन मेरे में लगी हुई, हर प्रकार से दिन रात ही मेरा ही चिंतन करती रहती है, मेरे अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है, दिन रात मुझमें ही है, मुझमें ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं ता मन मनस्का प्राणा मदये त्यक्त देही का मामे वये दैतम पृष्ठम आत्मान मनसा गता ये त्यक्त लोक धर्माश मदर्थे तान विप्रमी अहम। तो बहुत सुंदर श्लोक है, गुरु महाराज जी बहुत बार इसको कोट करते हैं, है ना। तो भगवान गोपी जनों की अवस्था बता रहे हैं, भगवान गोपी जनों की अवस्था बता रहे हैं, है ना, कि भगवान कह रहे हैं कि गोपी जनों के तो सुख के दिन अभी चले गए हैं, गोपी जनों का सुख तो मैं ही हूँ, गोपी जनों के सुख तो मैं ही हूँ, है ना, अभी जब से मैं वहां से चला गया ना उसके बाद से गोपी जनों ने कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं करी है, गोपी जनों को कभी भी सुख कभी भी चैन कभी भी शांति कभी तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है, दिन रात गोपी जन चिंता में रहती हैं, गोपी जन को दिन रात बड़ा दुख रहता है, क्या दुख रहता है, गोपी का दुख क्या है, गोपी को दुख रहता है कि मेरे कृष्ण हमारे कृष्ण ये जो ब्रज से दूर है ना, तो ब्रज से दूर रह के कृष्ण बड़े दुखी होते होंगे, कृष्ण बड़े दुखी होते होंगे, कृष्ण को तो वास्तव में सुख ब्रज में ही मिलेगा, कृष्ण ब्रज से दूर है तो कृष्ण को सुख थोड़ी मिलता होगा, कृष्ण वहां पे क्या पड़े हैं महलों में, वहां पे मथुरा प्रदेश में, वहां पे बहुत सारे राजाओं के बीच में रहते होंगे, वो सब कृष्ण को सुख नहीं देता होगा, कृष्ण का सुख तो हम ही लोग दे पाएंगे, कृष्ण का सुख तो ब्रज में ही मिलेगा, यह सुन सोच सोच के मेरे दुख के लिए गोपी जन दुखी होती रहती है, उनके हृदय में इसी बात की हमेशा पीड़ा रहती है, गोपी जन को हृदय में मेरे मेरे दुख से वो दुखी होती रहती है, मैं वहां पे सुखी नहीं हूँ,
इस मथुरा प्रदेश में यह सोच सोचती गोपीजन बड़ी बड़े पीड़ा में रहती हैं। वो भगवान कहते हैं कि ये जो गोपीजन है ना, गोपीजनों का तो मन मेरे पास रहता है हमेशा, हमेशा मुझ में ही लगा रहता है। अब मन मना, मन मनस्का, और यह मन मनस्का का दो अर्थ है कि गोपीजनों का जो मन है वह कृष्ण में लगा हुआ है, और कृष्ण का जो मन है वो हमेशा गोपीजनों में ही लगा रहता है। कृष्ण का मन हमेशा गोपीजनों में ही लगा रहता है। मत प्राणा, भगवान कहते हैं मत प्राणा, मत प्राणा का भी दो अर्थ है। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपीजनों का प्राण वह तो मैं ही हूँ, और मेरे प्राण वो तो गोपीजन ही है, मेरे प्राण तो गोपीजन है, गोपियां ही मेरा जीवन है, गोपियां ही मेरा प्राण है। तो यहाँ पे भगवान के कहने का भावना यह है, भाव यह कि जितना गोपीजन दुखी है ना उद्धव, उतना मैं भी दुखी हूँ, बल्कि मेरे से ज्यादा गोपियां दुखी हैं। अंत में भगवान यही कहना चाहते हैं कि कुछ कुछ भी करो ये उद्धव, और ये गोपीजनों का ना दुख का तुम निवारण करो, थोड़ा सा उनके दुख को तुम शांत कर दो, थोड़ा सा उनके दुख को तुम शांत कर दो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं मदर्थ त्यक्त देह का, मेरे कारण ना सारे गोपीजन अपने देह के समस्त भोग और देह के समस्त संबंधियों को त्याग के रखी है। सारे भूल खाना नहीं खाती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं। जब से मैं गया हूँ ना, गोपीजन ना तो खाना खाई है ना तो पानी पी है, है ना। मतलब किस प्रकार से जीवन धारण करनी गोपीजन, है ना, खाना भी नहीं खाई है, पानी भी नहीं पी है। तो कृष्णा नहीं है तो क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, तो कुछ ना। तो जब से कृष्णा वृंदावन छोड़े हैं, गोपियों ने कुछ खाया नहीं है और पानी भी नहीं पी है कृष्ण गोपियों ने, कृष्ण के वीरा में, कृष्ण के वीरा में। और अपने सारे सगे संबंधियों को त्याग के रखा है, पति त्याग सबको त्याग कर रखा है। घर पे रहती हैं, घर पे रहती हैं, लेकिन सबसे वीरक्त कुछ मतलब नहीं हो गोपियों को, बिल्कुल कृष्ण में ही दिन रात कृष्ण का ही चिंतन चल रहा है, कृष्ण का ही चिंतन चल रहा है ना। तो माम एव दैतम पृष्ठम आत्मानम मनस्थागता, तो गोपीजन करें मुझको ही कृष्ण कह रहे हैं गोपीजन मुझको ही अपना पति मानती हैं। हाँ, उनका पहाड़ी ग्रहण, उनका विवाह दूसरे के साथ हुआ है लौकिक तरीके से, लेकिन उनका कभी वो उनके साथ संबंध हुआ नहीं। वास्तव में वो अपना प्रीतम तो मुझको ही मानती है। मामेव दैतम पृष्ठम, मैं ही उनका परम प्रिय हूँ, मैं ही उनका परम प्रिय पति हूँ, ऐसा गोपीजन मानती है। आत्मानम मनसागता, आत्मानम मनसागता, भगवान कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। यहाँ पे परम का दो अर्थ है, परम मतलब भगवान, इतना भगवान बोल रहे हैं कि मैं पर पति हूँ, मैं गोपी का अपना पति नहीं हूँ, लेकिन मैं पर पति हूँ, है ना। परम आत्मानम, लेकिन भगवान कह रहे हैं लेकिन वास्तविक पति तो मैं ही सबका हूँ, वास्तविक पति तो मैं ही सब, लेकिन लौकिक दृष्टि से मैं गोपियों का पर पति हूँ, गोपियों का मैं पर पति हूँ, लेकिन फिर भी गोपीजन मुझे अपना पति मानती हैं, और मेरे लिए ही दिन रात चिंतन कर रही रहती है, मेरे में ही अपनी भावना रखती हैं, और सारे लोक धर्म को छोड़ दिया है, सारे देह धर्म को छोड़ दिया है, और बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल पागल बन गए, मेरे लिए बिल्कुल पागल बन रही है, है ना, मेरे लिए बिल्कुल पागल बन रही है। अब मान लिया, अब इसमें बहुत बड़ा प्रश्न आता है, अब इसमें मान लिया उद्धव जी पूछे कृष्ण क्या बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं खाना नहीं खा रही हैं, पानी नहीं पी रही हैं, तो आखिर वो गोपीजन इतना समय से जी कैसे रही है। शरीर का पहला आवश्यकता होता है भोजन, भोजन पानी नहीं मिलेगा तो शरीर मर जाएगा। तो गोपीजन कृष्ण के जाने के बाद कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, जीवन कैसे धारण किया। भगवान कह रहे हैं, बहुत सुंदर भगवान बोले हैं, ते ये तत्वा लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभ्रति अहम, कि मैंने ही, भगवान कह रहे हैं कि जो लोक धर्म को जो छोड़ देता है ना, साधारण भक्त भी अगर मेरे लिए लोक धर्म को छोड़ रहा है ना, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसका पालन करता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं उद्धव गोपी जन को तो मैं जिला रहा हूँ, वो तो कब का मर गई होती है ना, उनको तो मैं जिला रहा हूँ, वो खा पी थोड़ी रही है मेरे जाने के बाद, कुछ खाया पिया नहीं है, उनको तो मैं जीवन दे रहा हूँ, मैं उनको जिला रहा हूँ। मदर्थे तान विभ्रमी अहम, भगवान कह रहे हैं विभ्रमी अहम तान मदर्थे, मेरे लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, तान उनका गोपीजनों का विभ्रमी भरण पोषण कर रहा हूँ अहम, मैं, भगवान कह रहे हैं मैं गोपीजनों का
भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं गोपी जनों का भरण पोषण कर रहा हूँ। और भगवान यहाँ पे साधारण भक्त के बारे में कह रहे हैं, साधारण भक्त भी, गोपी जन तो सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान की, सर्वश्रेष्ठ प्रेमी प्रेमी भक्त है गोपी जन, है ना। लेकिन कोई साधारण भक्त भी अगर कृष्ण के लिए अपना कुछ छोड़ दे, लौकिक धर्म छोड़ दे, अपना पत्नी छोड़ दे, घर छोड़ दे, बच्चे इत्यादि को छोड़ दे, तो भगवान भगवान उसका पालन पोषण करते हैं, उस भक्त का भी पालन पोषण करते हैं। छोड़ा है कृष्ण के लिए, उस भक्त के परिवार वालों का, उसका पत्नी का, उसका बच्चे का सब पालन पोषण भगवान करते हैं। तान विभ्रमी हम, उसके कोई कमी नहीं आने देंगे भगवान। भगवान कह रहे हैं साक्षात मैं उसका भरण पोषण करता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं किसी से करवाता नहीं हूँ, मैं किसी से करवाऊंगा नहीं। कृष्ण के लिए अगर कोई छोड़ा है, कोई ऐसा बोल सकता है कि अरे पागल हो गया, सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन चला गया और भक्त बन गया, घर वालों की चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्त को पूरा विश्वास होता है, अगर कृष्ण के लिए भक्त छोड़ा है, कृष्ण के लिए भक्त छोड़ा है, तो भक्त का पूरा भरण पोषण भगवान करेंगे और भक्त के परिवार का भी भगवान पूरा भरण पोषण करेंगे, कुछ भी कमी नहीं आने देंगे भगवान। भगवान करे मैं मदर्थे तान भ्रमी अहम त्यक्त लोक धर्माश्रम, जो मेरे लिए संसार के लौकिक धर्म को छोड़ दिया है उसका मैं भरण पोषण करूंगा, है ना। लेकिन कारण होना चाहिए मेरे लिए, भगवान ये वर्ड यूज करे मेरे लिए, उसका मुख्य उद्देश्य कृष्ण के लिए छोड़ा होना चाहिए। कृष्ण के लौकिक धर्म छोड़ दिया तो फिर पूरा मेंटेनेंस तो कृष्ण खुद करेंगे, कृष्ण पर्सनली। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण किसी और से करवाएंगे, बाकी लोग का तो भरण पोषण कृष्ण करवा ही रहे संसार में, है ना। लेकिन जो भक्त कृष्ण के लिए छोड़ दिया ना, उसका कृष्ण खुद ही भरण पोषण करेंगे और उसके घर वालों का भी भगवान खुद भरण पोषण करेंगे। तो कुछ भी भगवान, कुछ भगवान के भक्तों का कभी भी कुछ भी बिगाड़ नहीं होता, कुछ भी बिगड़ता नहीं है, कुछ भी बिगड़ता नहीं है। और कितने सारे उदाहरण हम देखते हैं, कितने सारे नरसिंह मेहता का उदाहरण देखते हैं, भगवान किस प्रकार से नरसिंह मेहता के लिए सावरिया सेठ बन गए, और किस प्रकार से नरसिंह मेहता के जो पुत्री होती है उसका भाद भगवान भरते हैं। कितनी सारी डायरेक्ट कथाएं हैं, एक सुंदर कथा बता के फिर ओवर करेंगे। एक बार जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे, बड़े दुखी थे, बहुत अच्छे भक्त थे, पर वो उनके पास कुछ खाने खाने पीने को भी नहीं मिलता था, तो बड़े दुखी थे वो, बहुत दुखी थे। और उनको एक बार डाउट हो गया, जो भगवान गीता में श्लोक बोले हैं, अनन्य चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां युक्तक्षेमवाहम्यहम्। तो ये जो डाउट हो गया कि भगवान कह रहे कि जो नित्य दिन रात मेरे में लगा रहता है, ऐसे भक्त का मैं भरण पोषण करता हूँ। योगक्षेम, योग मतलब जो चीज नहीं है उसको भगवान ला के देते हैं, और क्षेम मतलब जो भक्ति के पास उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो भक्त को डाउट होगा कि मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, मैं कितना अभाव में हूँ, खाने पीने को भी नहीं मिलता है कुछ, और तो बड़ा दुखी था। तो उसने क्या किया, उसने गुस्सा में उस श्लोक को पेन लिया, पेन से काट दिया, गीता के श्लोक को पूरा कटपिट लगा दिया पूरा इस श्लोक को, ये है ना, पेन से काट दिया पूरा, और काट दिया। तो अगले दिन जब पुजारी जी सुबह जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान के श्रृंगार कर रहे थे, भगवान को स्नान कराने की, जब भगवान का वस्त्र उतारे, देखे भगवान के पीठ पे किसी ने छुरी 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 का निशान बना हुआ है, किसी ने छुरी चला दिया है, भगवान के पीठ पे बहुत सारा छुरी चला हुआ है, भगवान के माथे पे बहुत सारा छुरी चला हुआ है। पुजारी देख के बिल्कुल हतप्रभ हो गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, पुजारी बिल्कुल उदास हो गया, अरे ये कार्य किसने कर दिया, कौन भगवान को छुरी कौन चला दिया, जगन्नाथ जी को पीठ पे छुरी और माथे पे छुरी, मुंह पे छुरी कौन चला दिया। पुजारी बड़े दुखी हो गए, और कैसे करके पुजारी श्रृंगार वगैरह करे, और बहुत दुख में पुजारी सो गए। तो जगन्नाथ जी सपने में आए, जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे ये जो एक भक्त, एक ब्राह्मण है यहाँ पे, मेरा अच्छा भक्त है, उसको ना मेरे को विश्वास नहीं है, उसको मेरे को विश्वास नहीं है कि मैं भरण पोषण करूंगा, उसको मेरी वाणी भी विश्वास नहीं है, उसने ना गीता के एक श्लोक काट दिया, और गीता तो सब मैं ही हूँ, गीता तो मेरा ही देह है, उसने एक श्लोक काट दिया, इस वजह से ना मेरे श्री अंग में भी पूरा ये जो कटने का निशान मिट गया, कटने का निशान लग गया इस प्रकार से। तो भगवान ने उस राजा को भी सपने में दिया, ये राजा तुम जाके इसको खाने पीने का इसका व्यवस्था करो, इसको जो भी चाहिए उसको दो,
नहीं तो ये भक्त तो मुझे ऐसे परेशान करता रहेगा, बार बार मेरे अंगों काटता रहेगा ये, और मुझे हैरान कर दिया ये भक्त, इसका जाकर व्यवस्था करो। फिर इस प्रकार से भगवान बोलते हैं जल्दी से जाओ, मेरे को बड़ा तकलीफ दिया है ये भक्त, नालायक है और बहुत बदमाशी किया है मेरे साथ, है ना, इसने मेरा अंगों काट दिया है। तो फिर राजा अगले दिन जाता है, उसका सारा व्यवस्था, खाने पीने का सारा व्यवस्था करता है। यहाँ पे भगवान ने खुद ही व्यवस्था किया, भगवान ने बोला ये भक्त तो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे बार बार काट रहा है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भगवान खुद ही पर्सनली भगवान व्यवस्था करते हैं भक्तों के लिए, भगवान व्यवस्था करते हैं भक्तों के लिए, है ना। तो भक्त का जो कुछ भी है ना भगवान बचाते हैं, भक्त का जो कुछ भी भगवान बचाते हैं। तो यहाँ पे भगवान उद्धव को कहने हैं, उद्धव ये जो गोपियां है ना उनको सबसे प्रिय चीज जो है वो मैं ही हूँ, मैं ही गोपियों में सबसे प्रिय हूँ, और मैं ही अभी गोपियों से बहुत दूर हूँ, मैं गोपियों से बहुत दूर हूँ, वही वो भूल की स्त्रियां हैं, वो दूर हूँ उनसे, और गोपी लोग ना मेरा ही स्मरण कर रही है दिन रात, वो मेरा ही स्मरण में लगी रहती है, मेरा स्मरण कर, मैं कैसे चलता हूँ, कैसे हंसता हूँ, कैसे बोलता हूँ, और सब कुछ मेरी लीलाओं का, सबसे जो सुंदर लीला है रास लीला उसका भी स्मरण करती है। कभी कभी स्मरण करते हुए मूर्छित हो जाती है, मूर्छा लग जाती है गोपियों की, मूर्छा तो जब मूर्छा हो जाती है लीला स्मरण नहीं कर पाती, फिर तुरंत मूर्छा टूट जाती है, फिर स्मरण करती है, फिर मूर्छित होती है, फिर स्मरण करती है, फिर मूर्छित होती है, और ऐसे कर करके मेरी वीरा में ना उनकी कंठा बड़ी तीव्र हो गई है, और उनकी सारी गति मति सब कुछ शिथिल हो गई है, बड़ी तकलीफ में है उद्धव, बड़ी तकलीफ में है। तुम जाओ और उनके दुख को थोड़ा सा दूर करो, उनको सुख तो नहीं दे पाओगे तुम, सुख तो मैं ही दूंगा, लेकिन उनका थोड़ा सा उनको तुम दिलासा दे दो कि मैं उनको भूला नहीं हूँ, उनको याद करता हूँ, और उनसे मिलूंगा, तुम थोड़ा सा उनका राहत पहुंचा दो। तो यहाँ भगवान इस प्रकार से गोपी जनों को याद कर रहे हैं, भगवान अपने माता पिता को, ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं, भगवान के भी स्मरण करने का, भगवान भी जो स्मरण करते हैं उन भगवान का भी स्मरण जो है वो वृंदावन का स्मरण है, वृंदावन के भक्त नंद बाबा यशोदा मैया गोपी जन ये भगवान के स्मरण दशा में रहते हैं, भगवान के स्मरण दशा में रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आज का श्लोक था कि अगर हमें तुच्छ काम सुख विजय पाना है तो हमारी स्मरण दशा में हमें भगवान को रखना चाहिए, जब भगवान को रखेंगे भगवान के प्रिय भक्त की लीला इत्यादि में हमारा लीला इत्यादि के रस्तों में हम डूबेंगे तो तुच्छ काम सुख अपने आप छूट जाएगा और हमें दिव्य आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति हो जाएगा, ब्रह्म सुखम अनंतम। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और भक्तवृंद की जय। तो कोई प्रश्न आप लोग के तो पूछ सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं कुछ, प्लीज। प्रभु जी मेरे ना एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम अगर किसी मच्छर या फिर चींटी की हत्या करते हैं तो हम तो नरक में जाते ही हैं, जैसे कि अगर वो हमारा मतलब खून लेते हैं तो वो नहीं जाते नरक में? प्रभु जी हरे कृष्ण नरक में ना। अच्छा प्रश्न महाराज जी, एक्चुअली ये जो जो जानवर जानवर वगैरह या पशु पक्षी कीट वगैरह की जो योनियां होती है ना, ये भोग योनि होती है, ऑलरेडी इनके कुछ ऐसे पाप है जिसके वजह से इनको ना ये भोग का शरीर प्राप्त हुए, भोग रहे पाप कर्मों को ये लोग भोग रहे है ना, ऑलरेडी पाप कर्म के तब जाके तो निम्न योनियों में गिरे है ना, भोग योनि है, पाप को भोग रहे, तो इनके लिए नरक नहीं होगा। जैसे शेर अगर मांस खा रहा है तो शेर के मांस खाने पर शेर को पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका शरीर मांस खाने के योग्य ही है, उसको प्रकृति से ऐसा शरीर मिला है। मच्छर अगर किसी को काट कर खून पी रहा है तो मच्छर को नरक नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मच्छर का शरीर ही उसको प्रकृति ने ऐसा प्रदान किया है ना। लेकिन अगर हम मच्छर को मारेंगे तो हमको जरूर पाप में हम पड़ जाएंगे, ठीक है माता जी ना। Thank you.
हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन था मेरा अपना ही कि प्रभु जी जब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मतलब वो अपने रास के दर्शन करते हैं, फिर वो मंदिर जाते हैं तो उनको दर्शन नहीं हो रहे थे, विचलित हैं वो, फिर वो उद्यान में जाते हैं तब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, वो स्वप्न में देखते हैं कि राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण चले गए हैं मतलब सब गोपियों को छोड़ के, तो वो गोपी भाव में विचलित क्यों हो जाते हैं कि राधा रानी के, वो महाप्रभु का तो राधा रानी का भाव है ना, तो राधा रानी के संग भगवान के हैं, फिर वो गोपी भाव में क्यों विचलित हो जाते हैं, फिर जब उनको बगीचे में दर्शन होते हैं भगवान के। राधा रानी भी तो गोपी ही है ना, राधा रानी तो गोपी है ना, और इसलिए महाप्रभु पूरे तरीके से राधा रानी के भावों में है ना, इसलिए देख के विचलित हो गए। विचलित मतलब कि राधा रानी के प्रेम के भाव में पूरी तरीके से डूब गए चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन के भावों में आ गए। एकदम विचलित हो गए कि आप मतलब भगवान किसी एक श्रेष्ठ गोपी के संग जैसे गोपियां कहती हैं चले गए हैं, और वो गोपियां सब सुनने लगती हैं, तो महाप्रभु भी उन्हीं के भाव में है, जबकि महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में है ना, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अच्छा जब गोपी गीत के समय पहले जब भगवान राधा रानी को ले गए थे तो वो वाले प्रसंग बता रही हैं आप कि इसमें महाप्रभु गोपियों के भाव में क्यों आ गए, है ना, वो सब राधा रानी बोल रही हैं आप, तो ये तो महाप्रभु अगर अच्छा ये तो महाप्रभु के ऊपर की भावना है, कभी कभी महाप्रभु तो गोपी जनों की भावना को अंगीकार कर लिए है ना, तो इसलिए महाप्रभु रोने लग गए है ना कि वो कृष्ण कहाँ चले गए है ना, उस एक गोपी को लेके कहाँ चले गए है ना, तो महाप्रभु की भावना है ना, वो कभी कभी ऐसा भावना अंगीकार कर लिए है ना, तो उनकी तो उनके ऊपर है, ये तो उनके ऊपर है, वो तो स्वतंत्र ईश्वर कुछ भी भावना अंगीकार कर ले है ना, राधा रानी की भावना अंगीकार करे सब राधा रानी है, कृष्ण की भावना अंगीकार करे कृष्ण ही है, या फिर क्या कहते हैं कभी कभी महाप्रकाश लीला में है ना, वो बहुत सारे जब अलग अलग रूप को दिखा रहे थे तो भगवान ने महाविष्णु का वो जो अद्वैताचार्य को जब वो वाले रूप दिखाए थे विश्व रूप, तो भगवान ने उस प्रकार का भावना अंगीकार किए, जब मुरारी गुप्ता को जब हनुमान जी का रूप दिखाया तो उसमें भगवान रामचंद्र बन गए है ना, रामचंद्र का रूप दिखा दिए अपने है ना, उस प्रकार के दर्शन दिए, तो भगवान वो तो स्वतंत्र ईश्वर है, वो किसी की भी भावना अंगीकार कर ले, माता जी जिस प्रकार भगवान ने गोपीजनों की भावना अंगीकार कर लिया होगा, उनको तो हर प्रकार का रस का स्वादन करना है ना, तो गोपीजनों की भावना के रस का स्वादन करना था तो वैसा अंगीकार कर लिया भगवान ने। प्रभु जी देखिए ना, दो जगह है, जब भगवान वहां पर से वो फूल बिन बिन कर दे रहे थे, वो सोचते थे मैं गोवर्धन पर आ गया हूँ, वो इस लीला में एंटर कर गए थे, तब भी वो गोपी भाव हुआ, फिर वो फूल चुन चुन के आगे गोपी को आगे सखी को दे रहे, फिर तीसरी जब जेल के लिए होती है तो महाप्रभु बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे महाराज बताते हैं गोपियों का कुंज निकुंज अंदर वास नहीं हो, उस अंदर प्रवेश नहीं होता, अंदर सिर्फ मंत्रियां जा सकती हैं निकुंज के अंदर, वो बाहर ही रहती हैं अष्ट जो गोपियां, तो महाप्रभु वहां पे भी जल के लिए दिखा रहे हैं कि वो खड़े देख रहे हैं, वो जल के लिए वाला जो अंत दिव्या में है, तो उससे सिर्फ गोपी भाव ही समझ में आता है या तो इसमें ऐसा होता है भगवान चैतन्य महाप्रभु ना भाव का स्वादन कर रहे हैं, वृंदावन में अलग अलग गोपीजन किस प्रकार की सेवा कर रही है ना, उन प्रकार के महाप्रभु अपने आप को अलग अलग जगह पे रख रख के महाप्रभु उस प्रकार के भावना का स्वादन कर रहे हैं, बाहर से भगवान लीला को देख भी रहे हैं तो उसमें भी तो देखने का तो बड़ा सुख है ना, अगर कोई गोपीजन जैसे हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण राधा रानी की तरफ शयन करते हैं, बाकी गोपियां कुंज के बाहर से देखती हैं मंजरियां इत्यादि, तो देखने मात्र से भी तो एक बहुत प्रकार के एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है ना,
तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु देख के उस प्रकार से आनंद का स्वादन कर रहे हैं। और भगवान आए भी तो इसलिए थे ना कि उनको आस्वादन करना था कि राधा रानी के प्रेम का स्वादन करना है, गोपीजन के प्रेम का स्वादन करना है। जब देखे कि मेरे भक्त ज्यादा प्रसन्न है सेवा करके, तो अलग 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 इस प्लेटफॉर्म पे रख रख के भगवान आस्वादन कर रहे हैं, लीला का स्वादन कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रेम का स्वादन कर रहे हैं भगवान, ऐसा समझ सकते माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? यस माता जी, गुरु जी आपने अभी कथा के दौरान उद्धव जी की पांच विशेषताएं बताई, उसको आप फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा नोट कर लूं। अच्छा, तो उद्धव जी की छह विशेषताएं माता जी और यशोदा गोस्वामी कहते हैं। सबसे पहले तो उद्धव जी ऋषियों में प्रमुख है। उसके बाद दूसरा विष्णु के मंत्री है, तीसरा कृष्ण के मंत्री है, चौथा कृष्ण के प्रिय सखा है, पांचवा बृहस्पति जी के शिष्य है, छठवां बहुत बुद्धिमान है, पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान है। विष्णु में श्रेष्ठ बृहस्पति के पुत्र हैं, भगवान के मंत्री हैं, कृष्ण के सखा हैं और पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान हैं। और एक प्रभु जी विष्णु के भी मंत्री हैं, कृष्ण के मंत्री, कृष्ण से मंत्री और विष्णु नाम मंत्री, विष्णु के भी मंत्री हैं, कृष्ण के भी मंत्री हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। और था कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, यस माता जी। स्वामी हरिदास जी थे जिनके शिष्य थे तानसेन, जिन्होंने की बांके बिहारी को प्रकट किया था, तो ये अलग है ना प्रभु जी, और नामाचार हरिदास ठाकुर अलग है ना? हाँ, ये दोनों अलग है। यस, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी वो अलग है और ये अलग है। यस माता जी, स्वामी हरिदास अलग है जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया है। यस माता जी, यस, दोनों अलग अलग है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। ठीक है, ये दो और श्यामल प्रभु जी, फिर लास्ट ओवर करेंगे आप प्रभु जी, प्लीज। यस माता जी बताइए। आ रही माता जी, आ रही। आपने जैसे उद्धव जी के बारे में बताया कि उद्धव जी के गुण बिल्कुल भगवान जैसे थे और भगवान ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ उद्धव में मेरे जैसे गुण है, लेकिन प्रभु जी उनके अंदर प्रेम भाव नहीं था ना, उनके अंदर उद्धव जी के अंदर प्रेम जिसके अंदर होता है वो भाव समझता है उनके अंदर। हाँ, प्रेम प्रेम नहीं था उद्धव के अंदर, ब्रज का प्रेम, इसीलिए तो भगवान पे दया कर रहे थे ना। वहाँ बोले सब कुछ है लेकिन ये प्रेम में कमी है, तो मैं इसको प्रेम भी दे देता हूँ। अभी आ रही माता जी, अभी आ रही है। हाँ, यस माता जी, तो उद्धव जी के अंदर प्रेम नहीं था, तो इसीलिए तो भगवान उनको प्रेम देने के लिए माता जी वृंदावन भेज रहे थे ना ब्रज में, कि गोपियां से वो प्रेम सीख के आएंगे, गोपियां उनके गुरु बन जाएंगी। कृपा सिंधु प्रतिथ नाम पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभु की जय, गुरु महाराज की जय, भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।